अल्लाह मेरे अजीज़ हमदनों वेलकम टू मास्टर हर रोज़ बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है असल में क्या हुआ जो है जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो मीटिंग करने वाले हैं जो पले के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्बास से उसके साथ मीटिंग करें इसके बारे में क्या इससे जो खुशी होगी वो फ़लस्ती हो क्योंकि चाइना चाहता है मसला जो फ़लस्तीन को वो बहुत जल्द हल किया जाए इसी वजह से जो चाइना ने वो इन्वाइट किया मोहम्मद अब्बास को पेलस्टाइनियन प्रेजीडेंट अब्बास टू विज़िट चाइना आफ्टर मेडियशन ऑफर चाइना चाहता है कि वह मसलाए फ़लस्तन को हल करे और पेलस्तिनियन क्या है असल में पैलेस्टाइन कहते हैं इंग्लिश में फलस्तीन को ये उसके प्रेसिडेंट हैं वो बहुत जल्द जो चाइना है जो उसका विजिट करें इस वक्त चाइना है जो स, जो सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ी इकानमी है इसी वजह से वो चाहता है कि मामला वगैरह खत्म करके जो दोस्ती हैं जो अमन है प्रॉस्पेरिटी है खुशहाली वो बढ़ाई जाए इसी वजह से उसने चाइना के, के जो प्रेजिडेंट हैं उन्होंने क्या है जो फलस्तीन के प्रेजिडेंट उसको इन्वाइट किया ये पहले अरब लीडर हैं कि जो चाइना का विजिट करेंगे अगर देखा जाए इस वक्त गल्फ स्टेट में अरब में सबसे बड़ा लीडर कौन है इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान सलमानसली क्योंकि उसके पास सऊदी अरब की इकॉनमी बहुत ज्यादा है उसने चाइना ने कभी भी इन्वाट नहीं किया मोहम्मद बिन सलमान को आओ भी चाइना में हमारा विजिट करो लेकिन चाइना ने किसको कहा जो पैलेस्टाइन के प्रेजिडेंट उसको कहा किस वजह से वो चाहता है कि जो मसला है फलस्ती है उसको खत्म किया जाए जो फलस्तियों की ये खुशखबरी है लेकिन इस वक्त जो इसकी टांगे हड़ाने के लिए जो

समुद्र पार जाकर अपने तल्ल बढ़ाएं लेकिन चाइना चाहता है जो एशिया में कंट्रीज हैं उनके साथ भी तलाक़त अच्छे हों इसी वजह से अपने रीजनल एंगेजमेंट हैं वो रीजन के अंदर एशिया में बढ़ा रहा है और जो यू एस इस वक्त जो चाइना को कंटेन करने के लिए कहाँ कहाँ है इंडो पैसेफिक रीजन में भी लगा हुआ है यूक्रेन में भी लगा हुआ है लेकिन चाइना अपने तलुकत रीजन के कंट्रीज के साथ बना रहा है जो अमन की जो सूरत हाल बात की जाए उसमें सबसे बड़ा जो रुकावट है वो यू है तीन चार महीने पहले क्या हुआ था जो इसराइल है उसने फलस्तनी पे अटैक किया तो चाइना जो एक जो एक मीटिंग है वो सिक्योरिटी काउंसिल में यूनाइटेड नेशन में लेके गया कि इस इशू को सॉल्व करो लेकिन यूएसए ने उस जो नरेटिव था जो चाइना का कि ये अटैक कर रहा है इसराइल उस नरेटिव को ब्लॉक कर दिया आप क्लियरली दे सकते हैं ये टाइम्स ऑफ इसराइल की इसराइल का अखबार है यू ने उस चाइना की जो सिक्योरिटी काउंसिल का इनिशिएटिव था उसको ब्लॉक कर दिया क्योंकि इस वजह से यू एस ए चाहता है कि मसला है फ़लस्तीन कश्मीर ना उसकी पॉलिटिक्स होती है वो जो इसराइलियों से अपनी मदद लेता है क्योंकि बहुत ज्यादा जो यहूदी हैं वो कांग्रेस में हैं इसी वजह से वो चाहते नहीं हैं सॉल्व हो लेकिन चाइना चाहता है इस मसले को जितना जल्दी हो सॉल्व किया जाए और ईरान की देखे जो दोस्ती करवाई सऊदी अरबी के वो चाइना ने कराई और चाइना इस वक्त जो रीजनल पावर है वो बढ़ रहा है और मिडिल ईस्ट जो अरब स्टेट्स हैं उसको चाहता है दो ब्लाक में या यूएसए या चाइना यूएसए या चाइना इसके अलावा और कोई बात नहीं होती लेकिन चाइना इस वक्त जो बात है वो मिडल ईस्ट में बढ़ा रही है इसी वजह से उसने प्रपोजल दिया है टू स्टेट सोलूशन कहा कि वो इसराइल और जो पैलेस्टाइन है इसको डिजॉल्व करके दो कंट्रीज़ बना के दो मुल्क में इसी तरह कोई मामला है अरब में वो भी खत्म हो जाएगा और भी नहीं होगी लेकिन पीस टॉक ये नहीं पॉसिबल क्योंकि यूएसए इसमें अड़ाता है और वो नहीं चाहता है कि इस मामले को सॉल्व किया जाए और जो यहूदी हैं वो भी बहुत बड़ी लॉबी करते हैं अगर देखा जाए ये सारा इसराइल है ये इस पहले जो 1948 उस वक्त ये इसराइल नहीं बना था 1948 में इसराइल है ना पहले ये पैलेस्टाइन फ़लस्तियों का इलाका था अब यहाँ पर सारी लड़ाई चल रही है लेकिन जो चाइना है यहाँ पार समुंदर पार बैठा वो कहता है कि इसको माहौल ख़त्म करके इसको लड़ाई को खत्म कर टू स्टेट सिस्टम डिजोल्व कर दिया जाए टू नेशनस बना दिया लेकिन जो यू है वो इसमें टांग अड़ा रहा है अगर देखा जाए फ्यूचर में कोई बड़ी डिवेलपमेंट होती है कि ये जो मस्जिद जगक है वो इसराइली के पास आती है या मुसलमानों के पास अगर मुसलमानों के पास आती है तो बहुत अच्छी खुशखबरी है चाइना अच्छी डील की लेकिन अगर मुसलमानों के पास नहीं आई तो मे भी जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी होगी जो कि के इसराइल के से निकलती हुई स्टेट से जो पाकिस्तान है इस वक्त वो भी इसमें शामिल हो जाएगा और अफगानिस्तान तो मेनली क्योंकि बैठा है वो इस्लाम को बचाने के लिए मे मे भी कोई फ्यूचर में कोई पॉसिबल हो जाए या इस्लामिक स्टेट्स इकट्ठी के जो इसराइल को कहेंगे ये ऐसी हरकतें क्यों ना स्पेशली अगर पाकिस्तान का स्टांस देखा तो पाकिस्तान तो इसराइल को मानता नहीं है बाकी कंट्री तो बहुत अच्छे तलुकत बना रहे हैं की वॉचिंग मे अल्लाह ब्लेस यू अल्लाह हाफि